पापा का क्रिएटिनिन 1 पॉइंट डिक्रीज हुआ है। अच्छा, पानीपत से यहाँ अभी आए हैं? पानीपत से। नमस्कार, मेरा नाम अमन है और आज हम यहाँ पे इफ्को चौक के जाने माने क्लिनिक में आए हैं, साइंस जीवनी। हमें तो नहीं पता है कि ये जाना माना है, लेकिन लोग काफी इसकी चर्चा करते हैं और हम आज यही देखने के लिए आए हैं कि यहाँ पे जो ये दावा करते हैं कि ये मेडिसिन ट्रीटमेंट और पेशेंट्स को ठीक करते हैं, जो कि इनका रिजल्ट काफी अच्छा रहता है, वही देखने के लिए आज हम ये यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए, तो हम यहाँ पे आज इनके फ्रंट गेट पे पहुंच चुके हैं और ये देखने कि पेशेंट्स आए हैं या नहीं आए हैं। और जैसा कि हम देख सकते हैं, यहाँ पे काफी पेशेंट्स आए हैं और सैटरडे को तो इवन आज काफी भीड़ है। तो चलिए चलते हैं इनसे बात करने और जानते हैं कि इनकी ट्रीटमेंट जो है अच्छी हुई है, नए पेशेंट्स आए हैं, पुराने हैं, सब कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे। सर हैं जी? मेरे पिताजी हैं। अच्छा, मेरे पिताजी का नाम श्री रामतन है और पिताजी की उम्र जो है 58 ईयर ओल्ड है पिताजी। अच्छा, आपकी इनकी एज है 58 ईयर। और ये किस चीज़ के पेशेंट हैं? पापा जी हमारे AKI ओब्लिक CKD एक्यूट किडनी इंजरी ओब्लिक क्रॉनिक किडनी डिसीज के पेशेंट थे। ठीक, बट हमारा इलाज जो है डॉक्टर साहब के यहाँ से चल रहा था, तो पापा का क्रिएटिनिन उसमें 4.01 था, नाउ इनका प्रेजेंट टाइम 3.01 है, बट मेडिसिन हमारी 1 मंथ प्रीवियस से चल रही है, पहले से चल रही है जी। यहाँ पे क्रिएटिनिन का आपका थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा है? जी पड़ा। ठीक है, तो फर्क दिख गया? बिल्कुल दिख गया। इससे पहले आपने कहीं करवाया ट्रीटमेंट? इससे पहले मेरा डॉक्टर अरिंजय जैन साहब जीजी हॉस्पिटल आगरा से चल रहा था, ट्रीटमेंट हमारा वहाँ से भी चल रहा है, यहाँ से भी चल रहा है। तो पापा में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है मात्र 25 डेज की मेडिसिन से। नमस्कार मैम, आप अपना नाम बता सकते हैं? सुषमा। सुषमा जी, कहाँ से हैं आप? पानीपत। पानीपत, हरियाणा से हैं? ठीक है, ठीक है। तो आप भी पहली बार आए हैं या फिर दूसरी बार आए हैं? मैं एक बार आई थी। अच्छा, लेकिन मेडिसिन भी ले गई थी। ठीक है, लेकिन मैं भी दोबारा नाम में कोई एलोपैथिक डॉक्टर मिल गए थे, वो भी बिना डायलिसिस के इलाज करते थे। बिना डायलिसिस के? हाँ। ठीक, तो फिर मैं वो हमें लोज में पढ़ते थे दिल्ली में, तो फिर मैं वही चली। अच्छा, पानीपत से यहाँ अभी आए हैं? पानीपत से, अब तो पानीपत से आए, पहले वो दिल्ली में थे वो डॉक्टर। अच्छा अच्छा, तो दिल्ली में हमारे रिलेटिव वगैरह काफी है, तो वहाँ फिर। अच्छा, पहले वहाँ पे आपने किया हुआ था? ठीक है, वो भी बिना एलोपैथिक थे, लेकिन बत्रा हॉस्पिटल थे। ओके ओके ओके, तो आपने एलोपैथिक दवाइयां भी ट्राई करी हैं? 2 साल वहाँ करवाया इलाज। अपने भी 2 साल करवाया? मतलब 2 साल तक तो उन्होंने रोका रखा क्रिएटिनिन, अब बढ़ गया था तो उन्होंने डायलिसिस के लिए बोल दिया। तो आपने डायलिसिस नहीं करवाया फिर बाद में? अब नहीं, पहले करवाया था डॉक्टर, तो स्टार्टिंग में मैं बीमार हुई थी ना। ठीक है, करवाया था 150। ओके ओके, और आप यहाँ पे बाद में फिर डॉक्टर मिल गए, तो फिर एक दिन ही आई, मेडिसिन भी ले गई थी, लेकिन वो इनमें परहेज ज्यादा था, उनका परहेज थोड़ा कम था। अच्छा हाँ, आयुर्वेदिक में वैसे होता है कि आपको परहेज ज्यादा करना पड़ता है। क्यों परहेज नहीं कर पाए आप? हर कोई डरता है परहेज, उन्होंने कम परहेज बताया। अच्छा, उन्होंने कम बताया और यहाँ पे कुछ ज्यादा है। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि जैसे ज्यादा परहेज होते हैं जहाँ पे आपको नेचुरली कुछ ज्यादा फायदा रहता है। चलो देखते हैं, अभी आप आए हैं, चलो देखिएगा जरूर। चलो धन्यवाद। तो ये थे हमारे 2 किडनी के पेशेंट जो आप मान सकते हैं कि पहले टाइम ही यहाँ पे आए हैं, तो देखते हैं कि इनकी कैसी ट्रीटमेंट होती है। आपका नाम सर? नवदीप अरोड़ा। नवदीप जी, आप किस चीज़ के पेशेंट हैं? मैं डायलिसिस पे हूँ पिछले 3.5 साल से। 3.5 साल से डायलिसिस का तो ऐसा रहता है ना कि आपको कोई आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं उन पे आप एक मशीन होती है जिससे जिसके थ्रू ब्लड पास करते हैं। हाँ, ठीक है, मतलब ये 2 वो होते हैं, एक से ब्लड जाता है, दूसरे से ब्लड आता है। ओ माय गॉड, 3.5 साल से आप ये कर रहे हैं? 3.5 साल से ये होता है, मतलब हफ्ते में 3 बार होता है। आपको यहाँ साइंस जीवनी के बारे में कैसे पता लगा? मेरे एक्चुअली जूनियर है, ही मस्ट बी अराउंड हियर। ओके, ठीक है, तो मेरा स्कूल टाइम जूनियर है, तो उसकी वाइफ यहाँ से ट्रीट होके ठीक हुई है, मतलब उनका वो भी डायलिसिस पे गई थी, मतलब वो भी डायलिसिस पे, लेकिन अभी लास्ट 7 मंथ से उनका डायलिसिस नहीं हो रहा। From 7 months, they are, she is fine. She's doing good. Okay, and okay. She is working. She is traveling lot of places. So,
आई थिंक कि अगर उसका ठीक हो सकता तो जो आपका ब्लड में वेस्ट मटेरियल है डेट इज क्रिएटिनिन अच्छा तो वो मतलब 1.5 से नीचे होना चाहिए और आपका था मेरा जब मुझे डायग्नोस हुआ था मेरा 2.5 था 2.5 जब डायग्नोस हुआ मुझे अच्छा ये ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा लग रहा है मतलब हाँ ठीक है उसके बाद वो फिर तीन हुआ तीन के बाद तो जंप्स एंड जंप्स एंड जंप्स अभी रिसेंटली अगर आपने कोई रिपोर्ट चेक करी होगी तो हाँ अब तो नॉर्मल हमेशा होती है 10-11 अभी आपका क्रिएटिनिन 10-11 है हाँ ओह माय गॉड प्री डायलिसिस 10-11 होता है डायलिसिस के बाद नॉर्मल हो जाता है अच्छा उसके बाद पर फिर भी आपको लेकिन फिर वो वही मतलब हर मिनट में बढ़ना शुरू हो जाता है जैसे आप कुछ खाते पीते हो सब कुछ करते हो तो आपको भरना शुरू हो जाता है हफ्ते में तीन बार तो आपका चक्कर लगता ही लगता है हाँ मेरा एवरी मतलब ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे तीन दिन मेरा होता है अभी यहाँ से मैं सीधा डायलिसिस कराने जाऊँगा वैसे मेरा मॉर्निंग होता है आज मैंने थोड़ा शिफ्ट किया है इवनिंग में खुद अपॉइंटमेंट हाँ ठीक है तो आपका फर्स्ट विजिट है और आप यहाँ पे आए हैं चलो मैं यही आशा करता हूँ कि आपको यहाँ से अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट मिले थैंक यू थैंक्स अ लॉट ओके हम भी यही चाहते हैं सभी यही चाहते हैं सर